तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अकाउंटेंट कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर अकाउंटेंट बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और एक एक करके जानेंगे कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा या कौन से सिलेबस चुनने होंगे। हम आपको यह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या योग्यताओं का पालन करना होगा, इसमें आपके कौन से पेपर होते हैं या कौन से कोर्स लिए जाते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किस तरह से मेहनत करनी होगी या इसमें सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको इसमें आवेदन करने के बाद सफलता प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो की तरफ कि आप एक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, किस चीज़ में आपको समझना होगा कि आप एक अकाउंटेंट बनने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को देखते रहिए तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आप एक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो के पॉइंट पे तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अकाउंटेंट कैसे बने, अकाउंटेंट क्या होता है, इसकी सारी जानकारी, अकाउंटेंट कैसे बने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे अकाउंटेंट की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंटेंट कैसे बने, और इस वीडियो में हम भी जानेंगे कि बैंक अकाउंटेंट कैसे बने और चार्टर्ड अकाउंट कैसे बने। और आप इस वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वीडियो पूरा पढ़ने के बाद दूसरे वीडियो को पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो आप मेरी इस वीडियो को अकाउंटेंट कैसे बने को पूरी आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा या अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या करना होना चाहिए। तो दोस्तों, अकाउंटेंट का कार्य क्या होता है, उससे सभी जरूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए, मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगी कि एक अकाउंटेंट का कार्य क्या होता है, अकाउंटेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या क्या कोर्स करना चाहिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, मैं आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि एक अकाउंटेंट को किस तरह से कार्य करना होता है या किस क्षेत्र में वह कार्य कर सकता है, किस किस जगह पर उनकी ज़रूरत होती है। तो यह सभी जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अकाउंटेंट कैसे बने। दोस्तों, आज पूरे देश में अकाउंटेंट के क्षेत्र में काम करने के बारे में सभी लोग सोचते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता अकाउंटेंट कैसे बने। और कई सोचते हैं कि टैली सीख के हम सफल अकाउंटेंट बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर में काम करना चाहता आता है, इसके साथ
आपको अकाउंटेंट के द्वारा सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होनी चाहिए और एक सफल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इस क्षेत्र में काम शुरू करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से ट्रेनिंग या किसी अनुभवी अकाउंटेंट से लेने की आवश्यकता होती है। अकाउंटेंट के क्षेत्र में उत्तर कर काम करने के लिए आपके पास सैद्धांतिक ज्ञान की काफ़ी नहीं है, इसलिए साथ आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होने जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक के ज़रिए पता चल गया होगा कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, कौन से कोर्स करने होते हैं। यह जानकारी हमने आपको इस पॉइंट के माध्यम से दे दी है। आगे की जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको ऐसे ही जानकारी अपने नेक्स्ट टॉपिक में देते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किस तरह से कार्य करना होगा, कौन से क्षेत्र में कार्य करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तो आइए चलिए दोस्तों, अकाउंटेंट कैसे बने, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। 12th क्लास दोस्तों, सबसे पहले आपको कक्षा 12वीं को पास कर लें के पर ध्यान रहे। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कक्षा 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पास करनी होगी। स्टेप 2 ग्रेजुएशन दोस्तों, आपको अकाउंटेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कम से कम कॉमर्स में डिग्री हासिल करनी जरूरी है। अकाउंटेंट में आप डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और डायरेक्टर स्तर की शिक्षा ले सकते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग दोस्तों, आप बीकॉम पास करने के तुरंत आप अधिकांश कंपनी आपको अकाउंटेंट की नौकरी में नहीं रखेगी, क्योंकि आपके अकाउंटेंट अनुभव का नहीं होगा। अगर आप अपना अकाउंटेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम का अनुभव लेना होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। आइए चलते हैं दोस्तों और जानते हैं एक अकाउंटेंट के क्या क्या कार्य होते हैं और अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बहुत सी जानकारी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा चुके हैं और आगे की जानकारी हम आपको इस टॉपिक में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको आपसे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस पॉइंट के ज़रिए बताने जा रही हूँ, क्या दोस्तों टैली सीखने की ज़रूरत है या अकाउंट बनने के लिए। दोस्तों, यह सवाल आजकल सभी युवाओं के मन में आता है कि टैली सीखने की ज़रूरत है अकाउंटेंट बनने के लिए। तो जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आज छोटे स्तर से लेकर बहुत बड़ी कंपनियां भी अपने बिजनेस को काम को करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। टैली आपके काम को बहुत आसान और तेज़ी के साथ करने में मदद करती है। बीकॉम करने के बाद आपको टैली निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको नौकरी दिलवाने में बहुत मदद करती है। आपको यह टैली के साथ में ही अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ज़रूर सीख लें, यह आपके बहुत सारे भी मदद करता है। अकाउंटेंट का क्या काम होता है दोस्तों, मेरी इस आर्ट वीडियो में आप यह जान सकते हैं तो अकाउंटेंट क्या होता है, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अकाउंटेंट का क्या काम होता है। आपको उसकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझना चाहोगा, क्योंकि दोस्तों
अकाउंटेंट जो बहुत सारी जिम्मेदारियों और नियमों पर आधारित होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से दे दी है। आपको पता लग गया होगा कि एक अकाउंटेंट क्या होता है और उसका काम किस तरह का होता है। वह बहुत जिम्मेदारी वाला काम संभालते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट बनने के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने आप को जिम्मेदार और काबिलियत बना लें ताकि आप एक अकाउंटेंट बनने में सफल हो सके। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो को लेकर सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।